शुरुआत करते हैं न्यूज 50 की। जम्मू कश्मीर के नौगाम में घुसपैठ की एक और कोशिश नाकाम, 3 आतंकी मारे गए, 1 जवान शहीद, ऑपरेशन जारी। सेना ने 36 घंटे में घुसपैठ की तीसरी कोशिश को नाकाम किया, अब तक 6 आतंकी मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में उरी में सेना के 2 जवान घायल, आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी, कल सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला हुआ था। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को 1 और कामयाबी, कुपवाड़ा के माचिल सेक्टर में 4 आतंकवादी मारे गए, भारी मात्रा में हथियार भी मिले। पठानकोट में फिर आतंकी हमले की आशंका, पुलिस ने अलर्ट जारी किया, लुधियाना गुरदासपुर के टोल नाकों पर बीएसएफ तैनात। कश्मीर के हालात पर सेना अध्यक्ष बिपिन रावत का बयान, कहा पाकिस्तान सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भड़का रहा है। जनरल बिपिन रावत ने कहा कश्मीर में हालात जल्द बेहतर होंगे, चीन पाकिस्तान और आंतरिक मोर्चे पर सेना पूरे तरीके से तैयार है। पुलवामा में जम्मू कश्मीर बैंक में लूट की कोशिश नाकाम, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने हवाई फायरिंग की। यूपी के सहारनपुर में हिंसा का मुख्य आरोपी चंद्रशेखर उर्फ रावण गिरफ्तार, हिमाचल प्रदेश के डलहौजी से गिरफ्तारी। 22वें हफ्ते भी जी न्यूज नंबर 1 बाकी, 22+ रेटिंग्स में सभी न्यूज चैनल्स को पीछे जोड़ा। मध्य प्रदेश में नीमच बॉर्डर पर राहुल गांधी को रोकने की तैयारी, किसानों के परिवारों से मिलने के लिए मंदसौर जा रहे। राहुल के मंदसौर दौरे को बीजेपी ने आग में घी डालने की कोशिश बताया, कहा नहीं कामयाब होने देंगे, लाशों की राजनीति। जेडीयू नेता शरद यादव भी मंदसौर जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी कलेक्ट टीम भेजेगी। जेडीयू नेता शरद यादव का शिवराज सरकार पर निशाना, कहा नोटबंदी के बाद से किसानों की हालत बदतर हुई। मंदसौर के डीएम स्वतंत्र कुमार और एसपी ओपी त्रिपाठी हटाए गए, शिवपुरी के कलेक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव को मंदसौर भेजा गया, मनोज कुमार सिंह नए एसपी होंगे। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी पर हिंसा भड़काने का आरोप, शांतिपूर्वक प्रदर्शन का वायदा तोड़ने पर एसडीएम भड़के। मंदसौर में किसानों ने टोल प्लाजा में तोड़फोड़ की, 8 से 10 लाख रुपए लूटे। एमपी में 18 साल बाद किसानों के इतने बड़े पैमाने पर हिंसा, भोपाल इंदौर हाईवे पर दर्जनों बसें फूंकी गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी जलाई। मंदसौर में हिंसा के बीच संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू, कुछ और इलाकों में धारा 144 लागू, इंटरनेट सर्विस पर रोक। कांग्रेस नेता मोहन प्रकाश का शिवराज सरकार पर निशाना, कहा सरकार पर किसानों की हत्या का केस चलना चाहिए। महाराष्ट्र के सोलापुर में किसान धनाजी जाधव ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखा मुख्यमंत्री के आने तक अंतिम संस्कार ना किया जाए। छत्तीसगढ़ में भी किसानों की आंदोलन की तैयारी, बेरला में इकट्ठा हुए 25 गांव के किसान, मांगे पूरी ना होने पर प्रदर्शन की चेतावनी। महाराष्ट्र में किसानों की हड़ताल का बाजार पर असर, मुंबई की दादर मंडी में सब्जी की कमी, दाम भी बढ़े। मध्य प्रदेश के बालाघाट हादसे में 25 लोगों की मौत, कल पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से हादसा हुआ था, सरकार 4 लाख रुपए मुआवजा देगी। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गौरी शंकर बिसेन ने मृतकों की बेटियों को गोद लेने का ऐलान किया, कहा बेटियों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 2 दिन के कजाकिस्तान दौरे के लिए प्रधानमंत्री मोदी रवाना हुए, अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं के साथ अमित शाह की बैठक, रायपुर में कई पदाधिकारी मौजूद। चारों घोटाला केस में रांची की सीबीआई अदालत में पेश हुआ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र, सरकारी खजाने से अवैध निकासी का मामला। यूपी के मथुरा में 2 गाड़ियों के बीच टक्कर, 2 श्रद्धालुओं की मौत, 6 लोग घायल। आगरा में बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया के घर के बाहर युवक की पिटाई, कठेरिया का पुतला जलाने की कोशिश कर रहा था युवक। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की एक कंपनी ने लोगों से करोड़ों रुपए ठग गए, किताबों को पीडीएफ में बदलने के नाम पर झांसा। गुरुग्राम में 9 महीने की बच्ची की हत्या और मां से गैंगरेप का दूसरा आरोपी गिरफ्तार, लापरवाही के आरोप में महिला इंस्पेक्टर सस्पेंड। सिग्नल और ट्रैक में परेशानी के बाद मुंबई लोकल 1 घंटे देरी से चल रही है, विरार से चर्च गेट रूट पर खामी। सत्ता में सेल्फी लेना 2 युवकों को भारी पड़ा, कोलागढ़ी बांध में 2 युवक डूबे। बिहार में 12वीं में फेल छात्र आज से दोबारा परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकेंगे, 2 विषयों में फेल छात्रों को मौका मिलेगा।
बिहार में कई छात्र संगठनों का आज बिहार बंद। इंटर के खराब रिजल्ट के बाद से छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार के नवादा में इंटर के रिजल्ट से नाराज छात्रों का प्रदर्शन। बिहार के दरभंगा में छात्रों ने रोकी बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी। शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग। बिहार के आरा और अरवल में वामपंथी छात्रों ने सड़क को जाम किया। 12वीं की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर विरोध। बिहार के बक्सर में एक शिक्षक ने खुदकुशी की। पंखे से लटक कर जान दी। झारखंड के पलामू में माओवादी समर्थक अजेश यादव गिरफ्तार। बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। जुलाई के पहले हफ्ते में पंजाब सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 8 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। दिल्ली में कई इलाकों में बारिश के बाद तापमान गिरा 34 डिग्री के आसपास पारा। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरा। लोगों को दफ्तर पहुंचाने में मुश्किलें। 3 जून को लंदन में हुए आतंकी हमले का नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया। 2 आतंकी हमला करते नजर आ रहे हैं। सीरिया के रक्का पर कब्जे को लेकर कुर्द लड़ाकों और आईएसआई के बीच जंग तेज हुई। कुर्द लड़ाकों ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया वीडियो। उत्तरी कोरिया ने एक बार फिर से मल्टीपल मिसाइल का परीक्षण किया। परीक्षणों पर संयुक्त राष्ट्र की तीखी प्रतिक्रिया। चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत की टक्कर श्रीलंका से। लंदन में ओवल ग्राउंड में खेला जाएगा मैच। सेमीफाइनल पर टिकी टीम इंडिया की निगाहें। आज श्रीलंका को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने की कोशिश। रिया कपूर की फिल्म वीरे दी वेडिंग में करीना कपूर और सोनम कपूर नजर आएंगे। सितंबर में आएगी फिल्म।